सागर जिले के राहतगढ़ में आगजनी की घटना हुई, जहां एक फोर व्हीलर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि राजू लोधी निवासी बेटा नानंद बारा पत्नी और दो बच्चों के साथ कार में सवार होकर अपना इलाज कराने राहतगढ़ आए हुए थे, जहां उन्होंने गाड़ी सेंट्रल बैंक के सामने पार्क कर दी। वहीं जब राजू ने कार स्टार्ट करने सेल्फ लगाया तो सेल्फ नहीं लगा। करीब दो तीन बार कोशिश की तो शॉर्ट सर्किट होने से गाड़ी में आग लग गई, जिससे कार में सवार चारों लोग घबराकर कार से बाहर निकले। जैसे ही लोगों ने आग को देखा तो अफरा तफरी मच गई। पहले तो आसपास खड़े लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की। मौके पर तुरंत थाना प्रभारी आनंद राज भी पहुंचे और CMO रामचरण अहिरवार ने फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचाई, तब कहीं आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक कार चलकर खाक हो गई थी। कार चालक राजू लोधी ने इसको लेकर जानकारी दी। राजू लोधी, क्या हो गया है? सेल्फ लगाए में लग गया आग की गाड़ी में। कहाँ से आए हो? बेटा नानंदवारा। गाड़ी में आग कैसे लग गई? सेल्फ लगाए में। इलाज करवाए थे? इलाज करा दी। हाँ। फिर बुझ गई आग? हाँ। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज़।